गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम 4:30 बजे टीआरपी गेम जोन में आग लगने से 30 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। फायर ब्रिगेड की 8 टीमें करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा पाई। 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। राहत कार्य रात भर जारी रहा। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। चश्मदीद के मुताबिक कालावर रोड स्थित इस गेम जोन में वीकेंड की वजह से 500 रुपए का टिकट 99 रुपए में दिया जा रहा था, इसीलिए भीड़ ज्यादा थी। देर रात हादसे के बाद पुलिस ने गेम जोन के मालिकों में से एक यशराज सोलंकी और मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आग कैसे लगी, देखिए। करीब 2 एकड़ में फैला 3 मंजिला गेम जोन 2020 में बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर लकड़ी और टीन शेड पर खड़ा था। कई जगह रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम भी चल रहा था। एक जगह सीढ़ी पर वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से ब्लास्ट हुआ और आसपास आग लग गई। गेम जोन का डोम कपड़ों और फाइबर से बना था। स्ट्रक्चर लकड़ी, टीन और थर्मोकोल शीट से बनाया गया था। फर्श पर भी रबर रेक्सिन और थर्मोकोल लगा था। इसके अलावा गेम जोन में 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल भी स्टोर किया गया था, इसलिए आग कुछ मिनटों में ही तेजी से फैल गई। चश्मदीद के मुताबिक आग नीचे से ऊपर तक कुछ ही मिनटों में फैल गई थी। 3 मंजिला स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर जाने के लिए केवल एक सीढ़ी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल के लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। कलेक्टर आनंद पटेल ने कहा, शव इतनी बुरी तरह से जले हैं कि पहचान मुश्किल है, इसके लिए डीएनए टेस्ट कराना होगा। राजकोट के सभी गेम जोन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए। पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव के मुताबिक टीआरपी गेम जोन के पास फायर एनओसी तक नहीं थी। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। आगे क्या होगा ये जांच का विषय है। फिलहाल कार्रवाई जारी है।